गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज की गणित की ऑनलाइन कक्षा में हम सबसे पहले समान हर वाली भिन्नों को जोड़ना और घटाना का अभ्यास करेंगे। हम देखेंगे कि अगर भिन्न के हर समान हैं तो उस पर जोड़ना और घटाना की क्रियाएं किस प्रकार होती है। अब देखेंगे हमारे पास एक प्रश्न है, 2/5 1/5, यहाँ दोनों भिन्नों के हर जो हैं क्या हैं, समान हैं। अगर हर समान हैं तो जोड़ना और घटाना की प्रक्रिया आसान हो जाती है। इसे हम चित्रों के माध्यम, आकृति के माध्यम से बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए पहले हम आकृति के माध्यम से जोड़ना करते हैं और फिर भिन्न के माध्यम से जोड़ना करेंगे। तो चलिए आकृति के माध्यम से हम जोड़ने की क्रिया पहले कर लेते हैं। हमारे पास प्रश्न है 2/5 और उसमें हमें जोड़ना है 1/5। तो सबसे पहले हम 2/5 की आकृति बना लेते हैं। यह हो गया 2/5। अब इस 2/5 में 1/5 यह भाग हमें जोड़ना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से यह भाग निकालेंगे और यहाँ उसको जोड़ देंगे। ये हमने यहाँ जोड़ दिया, पहले हमारे पास था 2/5 और अभी मिल गया 1/5। अब बताओ कितना हो गया, कुल 5 भाग, तो हर में 5 और 1, 2, 3 भाग बनेंगे, तो 3/5। तो इस तरह आकृति के माध्यम से भी हम सरल तरीके से जोड़ सकते हैं। चलिए अब भिन्न के माध्यम से भी जोड़ते हैं। 2/5 ÷ 1/5। अगर भिन्नों के हर बराबर हैं तो हम अंश और अंश को पहले जोड़ लेते हैं और हर को एक ही बार लिखते हैं। हर को हम एक ही बार लिखेंगे और अंश और अंश को जोड़ लेते हैं, 2 ÷ 1। अब देखिए कितना हुआ, 2 ÷ 1 ÷ 3/5। तो यहाँ भी हमें आकृति के रूप में जब हम जोड़े तो भी हमें 3/5 मिला और जब भिन्न के रूप में जोड़े तो भी हमें 3/5 मिला। तो इस तरह से हम जोड़ना की क्रिया करेंगे। चलिए अब हम देखते हैं कि समान हर वाली भिन्नों को हम कैसे घटाएंगे। हमारे पास एक प्रश्न है, 3/4 ÷ 2/4, मतलब 3/4 में हमको 2/4 कम करना है, घटाना है। पहले हम आकृति के माध्यम से सीखते हैं। हमारे पास एक आकृति है और यह है 3/4। इसका हर एक भाग है 1/4, ये दूसरा भाग भी 1/4, सारे भाग बराबर हैं और ये जो है यह 1/4 है। अब 3/4, ये 3/4 में से हमें 2/4 निकालना है। 2/4 मतलब इतना भाग हमें निकालना है, या 2/4 होगा। तो इन दोनों भागों को हम निकाल लेते हैं। ये 2/4 भाग हमने यहाँ से निकाल दिया। अब दो भाग निकाल दिए तो हमारे पास कितना बचा, एक ही भाग बचा, मतलब हमारे पास बचा 1/4। भाग हमारे पास बचा, क्योंकि ये दोनों भाग कम हो गए, घट गए, तो हमारे पास सिर्फ यही भाग बचा। ये दोनों भाग खाली हो गए, इस तरह से निकल गए, तो हमारे पास बचा 1/4। यही हमारा उत्तर। चलिए भिन्न के रूप में घटाने की क्रिया कर लेते हैं। 3/4 ÷ 2/4। अगर हर बराबर है तो हम हर बटे के नीचे एक बार लिखते हैं और अंश में से अंश घटा लेते हैं, 3 ऋण
तो घटा दीजिए, तीन में से दो गए एक और बटा चार। तो हमने जब भिन्न के रूप में घटाने की क्रिया किया तो भी हमें वही उत्तर मिला जो हमने आकृति के द्वारा किया था। जो भिन्नों के जोड़ना घटाना में हमें एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि जब तक जो दिए गए भिन्न हैं उनके हर बराबर नहीं होंगे तब तक हम जोड़ना और घटाना की क्रिया नहीं कर सकते। भिन्नों के जोड़ना और घटाना के लिए हर का बराबर होना